पिछले वर्ष पबई विधानसभा के आदिवासी बाहुल क्षेत्र कलदा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा आयोजित बनवासी राम कथा का आयोजन किया गया था। इस कथा के दौरान मंच से कलदा में शबरी माता को वनवासियों की आस्था का केंद्र मानते हुए पबई विधायक से उनके मंदिर बनवाए जाने की मांग की गई थी, जिस पर विधायक प्रहलाद लोधी द्वारा मंदिर के लिए जमीन आवंटित करवाकर मंदिर निर्माण के लिए नींव रखी थी। इस पर पबई विधायक प्रहलाद लोधी ने कहा कि जल्द ही शबरी माता का मंदिर का निर्माण होगा, कार्य पूरा अभी हुआ नहीं है लेकिन आने वाले समय में इसका कार्य पूरा हो जाएगा और उसमें शबरी माता की विशाल प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। शबरी माता का मंदिर कलदा क्षेत्र की लोगों की पुकार से, उनकी आस्था केंद्र का शबरी माता आश्रम कलदा में निर्माणाधीन चल रहा है। कार्यक्रम के दौरान हमारे आदरणीय परम सम्मानीय पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर पीठ द्वारा मंच से घोषणा करवाई गई थी कि प्रहलाद बेटे शबरी माता का मंदिर बनवा देना, जिसमें उनको भगवान मानते हुए, क्योंकि व्यासपीठ पे जो बैठता है वो भगवान का रूप होता है, उनकी बात को न टालते हुए मंदिर का निर्माण हो रहा है। वो जल्द से जल्द वो मंदिर का पूर्ण निर्माण हो जाएगा।